हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अभिजीत एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो अभी तक जैंगो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम जैंगो के अंदर सीरियलाइजर लिख सकते हैं, कैसे हम गेट पोस्ट पुच पुट पैच डिलीट रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं जैंगो के अंदर ऑथेंटिकेशन की, क्योंकि ऑथेंटिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछले वीडियो में हमने टोकन ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट किया था कि कैसे हम टोकन ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे टोकन को डायनेमिकली जनरेट कर सकते हैं और क्या होता है टोकन ऑथेंटिकेशन। और इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे किसी पर्टिकुलर राउट को अगर हमें ऑथेंटिकेट करना हो, तो सपोज़ दैट अगर हम यहाँ पे जाते हैं व्यूज़ में, तो सपोज़ दैट अगर मैं ये जो गेट स्टूडेंट वाला डेटा है इस पर्टिकुलर राउट को सिर्फ ऑथेंटिकेटेड लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं अगर इस पर्टिकुलर राउट को हिट करता हूँ तो मुझे क्या बोलेगा, सारा डेटा फेच करके दे देगा। बट मैं अगर चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेटेड बंदे ही, जो ऑथेंटिकेटेड पर्सन हो, वही इस पर्टिकुलर राउट को एक्सेस कर पाए, इसके अलावा कोई भी एक्सेस ना कर पाए, तो उस चीज़ के लिए मैंने टोकन ऑथेंटिकेशन टोकन तो जनरेट कर दिया। बट कैसे इस राउट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अनऑथेंटिकेटेड पर्सन को व्यू करने से, उस चीज़ को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। काफ़ी इजी प्रोसेस होगा, ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कभी भी रेस्ट APIs बनाएंगे तो ऐसी कोई API नहीं होगी जहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन की परमिशंस वगैरह नहीं चेकआउट करनी पड़े। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और काफ़ी चीज़ें लर्न करने में आसानी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, रिसेंटली न्यूटन स्कूल ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि वो MS प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। और यू नो हाउ गुड इज़ न्यूटन स्कूल, न्यूटन स्कूल का एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी अच्छे लोग इनरोल कर चुके हैं और काफ़ी अच्छा पैकेज वगैरह है। तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, कि आपने कुछ भी किया हो, BA BCOM BSc किसी भी तरीके की डिग्री ली हो और आप चाहते हो कि आप टेक फील्ड में आना चाहते हो, अपनी लाइफ को एक इंजीनियर बनना चाहते हो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो और एक अपनी लाइफ में किक देना चाहते हो, तो डेफिनेटली दिस कोर्स इज़ फॉर यू। आप इनरोल कर सकते हो इस कोर्स में और ये आपको MS डिग्री प्रोवाइड करी जाएगी इसमें और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। और ये जो जो भी ये प्रोग्राम है MS वाला मास्टर्स का, तो ये MIA डिजिटल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड अगर आप इस डिग्री को लेकर के जाओगे तो ये रिकग्नाइज होगी और काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट ऑफर भी आपको मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी आपके लिए अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स में इनरोल करते हो। और अगर आप टेक बैकग्राउंड से ऑलरेडी आपने कुछ BTech वगैरह करके रखा है और चाहे आप ढूंढ रहे हो कि कोई एक अच्छा MS को कॉलेज मिल जाए, तो ये भी आप तभी भी आप इनरोल कर सकते हो, क्योंकि न्यूटन स्कूल इज़ वेरी गुड इन पार्ट ऑफ एजुकेशन एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों ने इनरोल करके इसमें काफ़ी ज़्यादा बहुत आगे तक गए हैं। तो डेफिनेटली यू कैन इनरोल इन द कोर्स। और आपको अगर कुछ लगता है कि अगर आप मेरे पर्टिकुलर लिंक से इस कोर्स में इनरोल करोगे तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा, और नीचे गूगल फॉर्म का एक लिंक होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर रिलेट इस फील्ड से रिलेटेड, है ना, तो आप उस चीज़ को उस पर्टिकुलर फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, जिससे आपको एक कॉल बैक आ जाएगा। तो आपके जो भी डाउट वगैरह होंगे वो सब चीज़ें आपकी सेटल आउट हो जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं बैक अगेन विद अनदर वीडियो, उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए। तो ऑथेंटिकेशन क्लासेस को हम देखेंगे कि कैसे हम ऑथेंटिकेशन किसी पर्टिकुलर राउट को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको सर्च करते हैं जैंगो टेस्ट फ्रेमवर्क ऑथेंटिकेशन। इसमें settings.py में हमें इस चीज़ को कॉपी करनी होती है। मैं पहले ही कॉपी कर चुका हूँ ये चीज़ को, तो आप भी इम्प्लीमेंट ऐड ऑन कर सकते हो इस चीज़ को। ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद में हमें क्या करना होता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में इसमें डेकोरेटर होता है। जैसे हम अगर अभी हम API व्यू वगैरह पे नहीं जा रहे, अभी हम लोग नॉर्मल डेकोरेटर पे चीज़ें कर रहे हैं, तो डेकोरेटर में उसमें REST फ्रेमवर्क में डेकोरेटर होता है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमें ऐड करना पड़ता है। तो पहले इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, पर्टिकुलर ऐसे डेकोरेटर में पेस्ट कर देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं फ्रॉम REST फ्रेमवर्क डॉट डेकोरेटर, इम्पोर्ट करेंगे क्या ऑथेंटिकेशन क्लासेस को, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे परमिशन क्लासेस को भी हम इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक। अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं टोकन ऑथेंटिकेशन, तो हमें इसमें टोकन ऑथेंटिकेशन भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो टोकन ऑथेंटिकेशन को हम यहाँ पे ऐसे कॉपी करके यहाँ पे लिख सकते हैं, टोकन ऑथेंटिकेशन हो गया, ठीक है।
सो अभी हम यहाँ पे टोकन ऑथेंटिकेशन लिख देंगे क्योंकि हम यहाँ पे टोकन ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं और इज ऑथेंटिकेटेड को भी हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो इज ऑथेंटिकेटेड को भी इम्पोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट परमिशन इम्पोर्ट। ठीक है, अब जब हम इस पर्टिकुलर एपीआई को हिट करेंगे गेट स्टूडेंट वाली को, तो हमें ये क्वेश्चन पूछेगा लाइक कौन हो आप, आपका टोकन कहाँ पे है ना। तो उसको एक बार चेकआउट कर लेते हैं, गेट स्टूडेंट्स को हिट करते हैं गेट रिक्वेस्ट में और इस टोकन को भी हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लिया। अब जब हम इस राउट को हिट करेंगे तो क्या दे रहा है, ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल वाज नॉट प्रोवाइडेड। ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल प्रोवाइड करने के लिए आपको हेडर में जाना पड़ेगा, हेडर में यहाँ पे ऑथोराइजेशन चूज करना पड़ेगा, उसके बाद में यहाँ पे स्मॉल लेटर में टोकन लिखना पड़ेगा, एक स्पेस देनी पड़ेगी और जो भी टोकन आपको मिला होगा उसको पेस्ट ऑन करना पड़ेगा। अब जब हम इस एंड पॉइंट को हिट करेंगे तो हमें सारा का सारा डेटा मिल गया। अब नॉर्मली अगर हम जैसे जैंगो में करते थे ना कौन सा यूज़र ऑथेंटिकेटेड है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र करके। जैसे ही हम रिक्वेस्ट डॉट यूज़र करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे वो जो भी बंदा जिसका भी टोकन होगा वो ऑथेंटिकेटेड बंदा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे अगर हमने किया तो अगर हम कंसोल में जाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, एडमिन, और बाकी वही सारी चीज़ें सेम है जैसे जैंगो के अंदर करते थे, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र कर दिया। अगर कोई मतलब स्टूडेंट क्रिएट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र करके इसका क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मतलब ये पर्टिकुलर राउट ऑथेंटिकेटेड है। अब जिसको भी इस पर्टिकुलर गेट स्टूडेंट का डेटा फेच करना होगा उसको ऑथेंटिकेशन का टोकन देना पड़ेगा। अगर वो ऑथेंटिकेशन का टोकन नहीं होगा तो यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा, मैसेज में एरर थ्रो कर देगा कि ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल नहीं प्रोवाइड किए थे, इस वजह से आप इस पर्टिकुलर एपीआई को हिट नहीं कर सकते हो। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है टोकन ऑथेंटिकेशन, ये सब चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करो। और आने वाले वीडियोस में हम JWT इम्प्लीमेंट करेंगे, जेसन वेब टोकन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादातर अब यूज़ होता है जेसन वेब टोकन में। और हम देखेंगे क्या क्या फ्लॉ थे लाइक टोकन ऑथेंटिकेशन में जो हम JWT की तरफ जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक फ्लॉ मैं बता देता हूँ कि टोकन ऑथेंटिकेशन में क्या होता है। मतलब ये जो आपको टोकन मिला हुआ है, ठीक, ये टोकन कभी डायनेमिकली चेंज तो होता नहीं कि अगर हम चाहें कि 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद ये टोकन पर्टिकुलर एक्सपायर हो जाए, तो जिसके पास भी सपोज दैट मेरा टोकन अगर आपके पास पहुंच गया या आपका टोकन किसी तीसरे बंदे के पास पहुंच गया, तो वो इस पर्टिकुलर टोकन को यूज़ कर मिसयूज़ कर सकता है। मतलब वो टोकन हेडर में पास करेगा, सारी APIs अपनी गेट कर लेगा, सारा डेटा गेट कर लेगा। और वही अगर ऐसा मैकेनिज्म हो कि हर 24 घंटे बाद ये टोकन ऑटोमेटिकली डिलीट होकर के नया टोकन जनरेट हो जाए, तब अगर उसको मिल भी गया मान लो आपका टोकन, तो वो ज़्यादा देर तक कुछ आपके अकाउंट से कुछ कर नहीं पाएगा, वो थोड़ी देर बाद आपका अकाउंट जो टोकन है वो डिलीट हो जाएगा और फिर से वही हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप देख सकते हो कि क्या मतलब JWT ने दूर किया कि कैसे हम मतलब एक ऐसा टोकन जनरेट कर सकें जो ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद एक्सपायर हो जाए। उसमें तीन चीज़ें होती हैं, हेडर, पेलोड, सिग्नेचर, उन चीज़ों को भी हम देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ताकि लाइक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की और टोकन ऑथेंटिकेशन की। सो आई होप लाइक ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में हमें लाइक मेंशन कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। और प्लीज़ सब्सक्राइब ताकि हम एक जैंगो की अच्छी कम्युनिटी बना पाएँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।